वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड सिलेबस, आप लोगों का हिट इंजन, ठीक है। आप लोग जिसका भी ट्रेड हिट इंजन है उनके लिए ये लेक्चर है। और आप लोग क्या करो, अगर मान लो चैनल पे नया आए हो, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे हिट इंजन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पे क्लिक करना और उस प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियोज है वो आप देख लेना। कुछ कॉमन टॉपिक है जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल्स, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, ये 4-5 टॉपिक सारे ट्रेड वालों को पढ़ना है। जो भी लेक्चर आता है आपका वो सारे टॉपिक पे, वो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे ट्रेड के प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। तो आप लोग वो लेक्चर भी देख लो। कमेंट मत करना कि सर हीट इंजन वालों को भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है क्या, तो जी हाँ, अगर आपके प्लेलिस्ट में है तो आप लोगों को पढ़ना है। ओके, अभी आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 1 हीट इंजन एंड क्लासिफिकेशंस, और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1.1 आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग पहले क्या करो, इसका क्विक रिवीजन कर लो अच्छे से कि क्या होता है ये सारा चीज। देखो, हीट इंजन जैसे ही आएगा ना, आपके दिमाग से एक बात हमेशा निकलना चाहिए कि ये क्या, ये करता क्या है। ये हॉट रिजर्वायर से ये हीट लेता है। ये क्या करता है, मान लो ये हीट इंजन है, ये हीट इंजन है और ये हॉट है, तो यहाँ से ये हीट लेता है और इस हीट से वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ हीट इंजन इज अ डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइजेस दिस थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। तो हीट इंजन आपका ट्रेड ही है हीट इंजन, तो आप लोग इस लाइन को जरूर अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में एक नंबर दिलवा सकता है कि हीट इंजन क्या करता है, ये जो है सो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसको आप लोगों को याद रखना है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन में मैंने बहुत सारा तरीका आपको बताया था कि फ्यूल के बेसिस पे करते हैं, साइकिल के बेसिस पे करते हैं, ये सारा मैंने आपको लिखाया भी था और 2-4 इम्पोर्टेंट है वो मैं फिर से आपको इस लेक्चर में बता दूंगा। तो हीट इंजन हम लोगों का जो चैप्टर है या आपको आपका जो ट्रेड है हीट इंजन, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग आईसी इंजन के बारे में ही पढ़ेंगे, आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे और हल्का फल्का जो है सो एक्सटर्नल कम्बसन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा तो आपको पता ही होगा कि इंटरनल कम्बसन में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में कम्बसन होता है, और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन में क्या होता है कि सिलेंडर के बाहर में कम्बसन होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, इसलिए मैं सारा चीज बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो, ये जो दोनों टाइप आप देखे ना, इंटरनल कम्बसन इंजन और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन, उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। अब रोटरी क्या है और रेसिप्रोकेटिंग क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। रोटरी में क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है कोई भी चीज, जैसे कि टरबाइन राउंड राउंड घूमता है और इसी के एक्सिस से जनरेटर लगा होता है, ये भी राउंड राउंड घूमता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। इधर हीट, ये टरबाइन आपका हीट इंजन का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है, स्टीम को ले रहा है और ये घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करवा रहा है स्टीम एनर्जी से। आप क्या समझ रहे हो, ये रोटरी टाइप है, ये आपका रोटरी टाइप है। और रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, मान लो ये सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये पिस्टन है, पिस्टन है तो पिस्टन के ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो रेसिप्रोकेटिंग का मतलब हुआ एक पॉइंट से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से जाना, ये रेसिप्रोकेटिंग का मतलब हुआ। और रोटरी का क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट के चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड मारना, ये है आपका रोटरी का मतलब, ठीक है। अब देखो, ये रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों केस में होता है, आईसी इंजन के केस में भी होता है और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन के केस में भी होता है। तो रोटरी इंजन जैसे ही आप लोग सुनोगे, आपके मुंह से टरबाइन निकलना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल में टरबाइन भी दिखाया है। तो वर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट विथ द हेल्प ऑफ रोटरी डिवाइस, है ना, टरबाइन। रेसिप्रोकेटिंग क्या है, तो रेसिप्रोकेटिंग में ये मैंने आपको बताया ना, पिस्टन और सिलेंडर वाला कंसेप्ट। देखो, हीट इज कन्वर्टेड टू द वर्क विथ द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मशीन या मैकेनिज्म, क्या है, पिस्टन एंड सिलेंडर। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि पिस्टन एंड सिलेंडर किस टाइप का इंजन है, रोटरी है या रेसिप्रोकेटिंग है,
तो आप बोलोगे कि रेसिप्रोकेटिंग है। आपसे पूछा जाएगा कि चार ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा कि इसमें से रोटरी का एग्जांपल कौन सा है, तो आप बोलोगे टरबाइन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, फिर भी आप लोग जान जाओ कि आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कम्बसन और ईसी इंजन का मतलब होता है एक्सटर्नल कम्बसन। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि आईसी इंजन हो या ईसी इंजन हो, दोनों रोटरी होता है और रेसिप्रोकेटिंग होता है। अब एग्जांपल का बात करते हैं, और आप लोग एएलपी पेपर 2 दे रहे हो, यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांसेस काफी ज्यादा है। ये आपको दे देगा कि डीजल इंजन किस टाइप का इंजन है, तो आप बोलोगे ये आईसी इंजन तो है ही, आईसी इंजन तो है ही एंड रेसिप्रोकेटिंग है, रेसिप्रोकेटिंग है। तो आपको ये एग्जाम्पल को अच्छे से देखना पड़ेगा कि देखो मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हट जाता है, लिखा हुआ नहीं आता है। तो आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हो तो जो मैं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो आप लोग लिख लेना, और जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा टेलीग्राम पे तो उस टाइम में आपको सिर्फ ये सारा जाएगा जो ऑलरेडी मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है, ये सारा पेन से जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोग रट जाओ कि वेंकल इंजन, जैसे ही आपको एग्जाम में पूछेगा कि वेंकल इंजन किस टाइप का है तो आप बोलोगे ये आईसी इंजन है रोटरी। देखो टरबाइन से तो आप पकड़ लोगे, टरबाइन से आप पकड़ लोगे, क्योंकि ये अभी तक आपको याद हो चुका होगा कि टरबाइन आएगा मतलब कि रोटरी है, क्योंकि टरबाइन राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। डीजल इंजन, गैसोलीन इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब केस है आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, क्योंकि इसमें सिलेंडर होता है और पिस्टन ऊपर नीचे होता है। वेंकल इंजन आप लोग याद रखना, रोटरी इंजन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, तो आपको याद ही हो गया होगा, टरबाइन देखोगे रोटरी, ओके। उसी तरह से ईसी इंजन का बात कर लेते हैं, ईसी इंजन, ईसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कम्बसन इंजन। इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि स्टीम टरबाइन, स्टीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बॉयलर होता है, बॉयलर में क्या होता है कोयला जलाते हैं और कोयला से जो टेम्परेचर गेन करते हैं, इसमें कोयला बर्न होता है, कोयला प्लस फ्यूल वगैरह एयर वगैरह जो भी है सारा कुछ मिक्स करके इसमें बर्न होता है, और इसमें वाटर रहता है पाइप के थ्रू इस तरह से पाइप के थ्रू वाटर रहता है, और यहाँ पे आपका हीट आग जलता है जिसकी वजह से इस पाइप के अंदर में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम जो है सो पाइप के थ्रू चला जाता है और वो टरबाइन को रोटेट करवाता है। तो आप क्या देखें कि हीट इंजन क्या किया, इस थर्मल एनर्जी को स्टीम जो है वो क्या है, थर्मल एनर्जी दे रहा है आपको। तो ये स्टीम क्या कर रहा है, थर्मल एनर्जी दे रहा है, तो ये टरबाइन क्या किया, इस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, राउंड मारा घुमा तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और इसी मैकेनिकल एनर्जी के बाद जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका और इसका शाफ्ट जो है सो एक दूसरे से अटैच्ड रहता है, तो मान लो ये 15 राउंड मारेगा तो ये जो है सो 150 राउंड मारेगा, 1:10 का रेशियो बना हुआ रहता है, ये 15 राउंड तो ये 150 राउंड, उससे क्या होगा आपका जनरेटर जो है सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारा कंसेप्ट होता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस पूरे सिस्टम में आप क्या देख रहे हो कि इंजन आपका ये है बट स्टीम का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब कम्बसन यहाँ पे हो रहा है, इंजन के बाहर में हो रहा है। और हमने बताया आपको कि जब कम्बसन बाहर में होता है तो उसको एक्सटर्नल कम्बसन कहते हैं। एक्सटर्नल कम्बसन का मतलब ही है कि कम्बसन बाहर में हो रहा है, एक्सटर्नल जगह पे हो रहा है, ओके। चलो अब स्टीम इंजन और स्टिर्लिंग इंजन, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। देखो स्टीम इंजन, अब देखो ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे तो टरबाइन आ गया, तो ये स्टीम पे ये टरबाइन चल रहा है, तो ये हो गया आपका स्टीम टरबाइन, ये वाला स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन, देखो दोनों में कंफ्यूज मत करना, ये टरबाइन स्टीम के हेल्प से चल रहा है और ये इंजन स्टीम के हेल्प से चल रहा है। तो टरबाइन जहां पे भी आप देखना तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टरबाइन जो है सो रोटरी में आता है। तो टरबाइन जैसे ही देखोगे रोटरी समझना, और पिस्टन एंड सिलेंडर जैसे ही देखोगे रेसिप्रोकेटिंग समझना। इसको आप लोग नोट करके हाईलाइट कर लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। स्टीम इंजन और स्टर्लिंग इंजन रेसिप्रोकेटिंग, तो ये सारा नाम आप याद रखना। चलो एक्सटर्नल कम्बसन इंजन और इंटरनल कम्बसन इंजन के बारे में सब कुछ आप जानते हो कि एक्सटर्नल कम्बसन इंजन जो है उसमें कम्बसन जो है सो आउटसाइड द मशीन टेक्स प्लेस, ठीक है। आपका कम्बसन चैम्बर जो है जो भी है आपका मशीन से बाहर में होता है, और हीट जो प्रोड्यूस्ड होता है एक्सटर्नल कम्बसन में उसी का हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल मोशन में,
ये सारा चीज आपको पता है। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से क्यों बताया, इस एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल पता रखना है। स्टीम इंजन, स्टीरलिंग इंजन, स्टीम टर्बाइन, ठीक है, गैस टर्बाइन आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इंजन। और कितना आसान है आप देखो, अगर आप मेरा ये दोनों स्लाइड अच्छे से देख लेते हो तो आपको आगे का दो स्लाइड याद हो जाएगा। आईसी इंजन में मैंने चार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आईसी इंजन में मैंने आप चार का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और मैंने ईसी इंजन में भी चार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यही एग्जाम्पल आगे भी आपका है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल कम्बसन इंजन में चार का नाम आपका आ गया, स्टीम इंजन, स्टीरलिंग इंजन, स्टीम टर्बाइन, क्लोज्ड साइकिल, गैस टर्बाइन। तो ये नाम याद रखना, जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि स्टीरलिंग इंजन, आप बोलोगे कि ये एक्सटर्नल कम्बसन इंजन है। उसी तरह से बात करते हैं इंटरनल कम्बसन के बारे में, इसमें दो तीन चीज ध्यान से देखो आप अच्छे से। इंटरनल कम्बसन इंजन जो है ये तो आपको पता है कि विद इन द इंजन, विद इन द सिलेंडर जो है सो कम्बसन टेक्स प्लेस होता है। केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी, और उसके बाद ये थर्मल एनर्जी जो है सो मैकेनिकल एनर्जी में, ये तो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद देखो, विच मूव्स द पिस्टन अप एंड डाउन इन द सिलेंडर, यही चीज आपको पता रखना है कि पिस्टन को ऊपर नीचे करवाता है, ठीक है। पावर फ्रॉम द पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू क्रैंक शाफ्ट, तो ये लाइन आप लोग नोट करके हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि पावर जो है, पावर फ्रॉम द पिस्टन ये कहां जाता है, पिस्टन से पावर निकल के कहां जाता है, तो ये आपका जाता है क्रैंक शाफ्ट में। तो इस लाइन को आप लोग अच्छे से नोटिस कर लेना, ठीक है। पावर जो है पिस्टन से जाता है क्रैंक शाफ्ट में, विच इज अल्टीमेटली ट्रांसमिटेड टू द व्हील वाया अ ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ये समझ गए होगे कि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम के हेल्प से जो है सो क्रैंक शाफ्ट से पावर चला जाता है व्हील में। मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स आर इंटरनल कम्बसन इंजन, अभी जो भी मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, बाइक वगैरह जो भी है, सारा का सारा आपका आईसी इंजन पे ही बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि वो आईसी इंजन पे बेस्ड क्यों होता है। देखो आईसी इंजन पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होता है, काफी कम एरिया ये कवर करता है, ठीक है। ये भी एक रीजन है, नहीं तो आपका बाइक का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, ओके। और थर्मल पावर प्लांट वगैरह जो होता है वो आपका एक्सटर्नल कम्बसन इंजन होता है, ठीक है। चलो आईसी इंजन का आप लोग कुछ एग्जांपल देख लो, गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, वेंकल इंजन, ओपन साइकिल, गैस टर्बाइन आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्बसन इंजन। अब देखो यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टर्बाइन है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कर जाना कि ये एक्सटर्नल कम्बसन है, ये आपका इंटरनल कम्बसन है। और टर्बाइन से क्या समझोगे, रोटरी है, रोटरी है, तो ये समझ जाना, ठीक है। चलो अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। हीट इंजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो इंटरनल कम्बसन इंजन, देखो यहाँ पे मैं बार बार आईसी इंजन का बात कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे सर हीट इंजन हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप आईसी इंजन क्यों बोल रहे हो, तो यही है, आईसी इंजन में ही हीट इंजन आपका आ जाएगा, डीजल इंजन आपका आ जाएगा, ठीक है, डीजल इंजन आपका आ जाएगा। तो ये सब आप मत देखो, आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे पढ़ो। इंटरनल कम्बसन इंजन आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मोबाइल प्रोपल्शन इन व्हीकल एंड पोर्टेबल मशीनरी, ठीक है, जनरली यूजिंग फॉसिल फ्यूल। देखो कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सा बात मैं बता रहा हूँ। ऑटोमोबाइल्स, ट्रक, मोटरसाइकिल, बोट्स, जो भी अभी का आपका व्हीकल वगैरह है, एयरक्राफ्ट है, लोकोमोटिव है, ये सारा चीज में हम लोग हीट इंजन का यूज करते हैं, आईसी इंजन का यूज करते हैं। ये पॉइंट है आपका, वेयर वेरी हाई पावर टू वेट रेशियो आर रिक्वायर्ड, इंटरनल कम्बसन इंजन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ गैस टर्बाइन। अब देखो इसका मतलब, इंटरनल कम्बसन इंजन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, कम एरिया कवर करता है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा पावर जरूरी है, जहां पे बहुत ज्यादा पावर जरूरी है उस जगह पे आईसी इंजन को हम लोग यूज करते हैं गैस टर्बाइन के फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये सारा तो आपको बता ही चुके हैं, एयरक्राफ्ट, लोकोमोटिव, ये सब जगह पे इंजन, जनरेटर, रोड व्हीकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सारा जगह पे जो है सो हम लोग आईसी इंजन का यूज करते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इस पे हो सकता है आपको तीन से चार, चार से पांच लेक्चर मिलेगा। पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीका से पढ़ेंगे कि आईसी इंजन का कौन सा पार्ट्स होता है। देखो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, सारा का सारा आपका आईसी इंजन ही है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था पिछले लेक्चर में कि पेट्रोल जैसे ही आप देखोगे आपके मुंह से कार्बोरेटर, कार्बोरेटर समझ में आना चाहिए, स्पार्क प्लग समझ में आना चाहिए,
और डीजल जैसे ही आप लोग देखोगे इंजेक्टर समझ में आना चाहिए। और मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर शॉट है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो, पार्ट्स कॉमन टू बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, देखो सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रड, क्रैंक शाफ्ट, आपका ये जो देख रहे हो इंजन बियरिंग, क्रैंक केस, फ्लाई व्हील्स, गवर्नर्स एंड वाल्व्स, ये सारा पार्ट्स जो देख रहे हो आप लोग, ये आपका पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारा पार्ट्स जो है सो आपका दोनों इंजन में रहेगा। दोनों इंजन में सिलेंडर रहेगा, पिस्टन रहेगा, क्रैंक शाफ्ट रहेगा, पिस्टन रिंग रहेगा, ये सारा चीज आपका दोनों इंजन में रहेगा, ठीक है। जिन लोगों का ट्रेड डीजल मैकेनिक्स है उनको भी यही लेक्चर आएगा, लेकिन उनका लेक्चर अलग से आएगा। ये देखो मैंने ये चीज आपको बार बार बताया है, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखा दिया है, ये पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर वर्ड सुनना आपके मुंह से पेट्रोल इंजन निकलना चाहिए, इंजेक्टर सुनोगे आपके मुंह से डीजल इंजन निकलना चाहिए, इतना आप लोगों को एकदम से याद रखना है, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन देखो, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, ये पार्ट्स जो आप देख रहे हो ना इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल्स से बात करेंगे कि सिलेंडर क्या होता है, किसका बना होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका फंक्शंस क्या है, ये सारा बात हम लोग करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तीन से चार लेक्चर आपका इस पॉइंट पे आएगा सिर्फ, ओके। चलो ये सारा चीज समझ गए आप लोग, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो, वैसे इसके बारे में मैं फिर बाद में बात करूंगा। ये देखो ये आपका स्पार्क प्लग है, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, ये आपका इंटेक वाल्व है, ये देख रहे हो ना, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन है, और ये देखो आप ध्यान से, ये पिस्टन रड है और ये क्रैंक शाफ्ट है। और मैंने आपको क्या बताया था कि पिस्टन जो है ये यहाँ से इस पिस्टन रड के हेल्प से पावर ट्रांसमिशन होता है इस क्रैंक शाफ्ट में, और इस क्रैंक शाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन होता है इस व्हील में विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेक वाल्व किधर से होता है, एग्जॉस्ट वाल्व किधर से होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इंटेक वाल्व लेफ्ट साइड ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं कल होकर के आपको दूसरा फिगर बताऊंगा उसमें इंटेक वाल्व आपका इधर रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व आपका इधर रहेगा, तो ये सब पे कंफ्यूज मत करना, आपको बस फंक्शन पता करना है कि इंटेक वाल्व का क्या मीनिंग है, एग्जॉस्ट वाल्व का क्या मीनिंग है, स्पार्क प्लग क्या काम करता है, व्हील का काम क्या है, पिस्टन का काम क्या है, ये पेट्रोल वेपर एयर मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज है, एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, सारा चीज मैं बताऊंगा, स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। तो ये सब आप सिर्फ अभी ओवरव्यू रखो। एक चीज जो मैंने आपको पीछे बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसमें दो तीन चीज आप लोग अच्छे से याद रखना, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कम्बसन, अगर पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कम्बसन, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग बोलना ऑटो साइकिल, ये साइकिल का बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका हो गया डीजल साइकिल, ठीक है, और ये हो गया आपका ड्यूअल साइकिल का मतलब क्या हुआ, सेमी पेट्रोल और सेमी डीजल, सेमी ऑटो और सेमी डीजल आप इसको कह सकते हो। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, साइकिल ऑफ कम्बसन है ये, अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन अगर पूछेगा, साइकिल ऑफ ऑपरेशन, देखो मीनिंग समझने का कोशिश करो और डिफरेंस भी, ये आपका साइकिल ऑफ कम्बसन है, कम्बसन क्यों, तो इसमें डीजल जलता है, इसमें पेट्रोल जलता है, इस तरह से ये आपका साइकिल ऑफ ऑपरेशन है, तो इसमें दो होता है टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, ये सब क्या होता है सब हम लोग एक एक करके देखेंगे, और एक होता है आपका फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जाना, और उसी तरह से एक अगर आपसे ये पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन, आप बताओ इग्निशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन, दूसरा में कंप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्पार्क देते हैं तब फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, और इसमें क्या करते हैं फ्यूल को कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर दे करके, तो अपने आप फ्यूल जो है सो मेरा इग्नाइट हो जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद आपका यही इतना मेन है, इसके अलावा भी आगे है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर अगर आपसे पूछ देगा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर, तो ये काफी आसान है, ये आपका काफी आसान है। इसमें एक होता है सिंगल सिलेंडर सिस्टम, सिंगल सिलेंडर सिस्टम, और एक होता है आपका मल्टी सिलेंडर सिस्टम, मल्टी सिलेंडर सिस्टम। तो आप लोग इसको याद रखना। इसके बाद जो है एक आपसे पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग, कूलिंग ऑफ अ सिलेंडर। तो देखो इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर कूलिंग करते हैं और एयर कूलिंग करते हैं, दो ही केस रहता है, वाटर कूलिंग और दूसरा आपका एयर कूलिंग, एयर कूलिंग। तो इतना सारा आप लोग इसको याद रखना, इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है कि कूलिंग के बेसिस पे पूछेगा। तो हम लोग इंजन को ठंडा करते हैं, जब इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है तो या तो वाटर से करते हैं या तो नॉर्मल एयर से करते हैं। तो एक आप लोग ये याद रखना, ठीक है। इग्निशन के बेसिस पे पूछेगा, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन याद रखना, नंबर ऑफ सिलेंडर के बेसिस पे सिंगल सिलेंडर मल्टी सिलेंडर, साइकिल ऑफ कंबसन के बेसिस पे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, और साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। इतना आप लोगों को याद रखना है, इस फिगर का ओवरव्यू ले लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में, जो भी आपका पार्ट्स है सारा, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, कौन किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा है, और ज्यादा लोग लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर आने का स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता कि इतना मेहनत करके आप लोग लेक्चर बनाओ और 100 200 300 लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा शेयर करो, अपने अपने फ्रेंड को बताओ, चैनल पे लाओ, ज्यादा लोग देखेंगे, खुशी मिलेगा, तो नंबर ऑफ लेक्चर जो है सो आपका आने का स्पीड भी काफी तेजी से बढ़ जाएगा। तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।